कंग्रेचुलेशंस यार, बहुत लकी हुआ कि आपने एक वीडियो खोल ली है, क्योंकि इस वीडियो को देखने वाला हर जेई मेन 2023 का एस्पिरेंट उन सिलेक्ट लोगों में से है जिनको एक ऐसा सीक्रेट पता लगने वाला है जो सिर्फ शायद तभी पता लगता है यार जब आप एक बार जेई मेन का अटेम्प्ट लिख चुके होते हो, वो मेच्योरिटी आपको तभी रियलाइज होती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं डिस्कस करना चाहता हूं आज, एंड इसके लिए आपको ये पूरी वीडियो, टाइम कम है 2x पे देख लो, लेकिन ये पूरी वीडियो देखनी आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बाद का जो आपका आउटपुट और आपकी मोटिवेशन होने वाली है टू वर्क टुवर्ड्स योर गोल, दैट्स गोइंग टू बी नेक्स्ट लेवल। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए। हाय गाइस, व्हाट इज अप, माय नेम इज एकनूर सिंह, आई एम अ थर्ड ईयर अंडरग्रेजुएट फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे, एंड जेईई एग्जामिनेशंस के लिए पिछले 2.5 साल से मैं स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा हूँ। एंड आज की वीडियो जो स्टूडेंट देख रहा है वो 23 एग्जाम में मस्त फोड़ने वाला है, मस्त मचाने वाला है, क्योंकि आज जो चीजें डिस्कस हो रही हैं टू द पॉइंट होने वाली है एंड इंपॉर्टेंट ऐसी चीज होने वाली है डिस्कस जो सब लोग नहीं रियलाइज करेंगे, आपके दोस्तों को नहीं पता होगा, आपको तभी पता चल सकता है वो जब आप दोनों अटेम्प्ट शायद लिख लोगे। तो डू नॉट वरी, मैं यहाँ पे हूँ, मैं आपको गाइड करने के लिए हूँ, इसलिए आपको ये चीज पता लग रही है। बट चालू करने से पहले एक चीज बोलूंगा, देयर इज अ गिव अवे इन दिस वीडियो जो जल्दी से आ रहा होगा, तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पूरा बैंक, मैं गिव अवे कभी ऐसे फालतू पैसे वैसे का नहीं करता यार, बिकॉज आपके लिए एट दिस स्टेज वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो एक PYQs होंगे, बहुत बढ़िया बढ़िया बुक्स होंगी जो आपको मिल सकती है। सो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ऑल्सो शेयर इट विद एज मेनी पीपल एज यू कैन, एंड यू कैन इंक्रीज योर चांसेस। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आपने टाइटल देखा होगा, आपको भी हंसी आ गई होगी कि देयर इज ओनली वन अटेम्प्ट यहाँ पे, भैया हमारे बुरा हाल हो रहा है, हमारे दो अटेम्प्ट के चक्कर में ऑलरेडी इतने जल्दी आ गए अटेम्प्ट, तो प्रॉब्लम हो रही है, चार अटेम्प्ट चाह रहे थे हम, ऑन एंड ऑन एंड ऑन। वेल, मेरे को आई डोंट वॉन्ट टू साउंड वेरी वेरी गलत या फिर कुछ, मैं बुरा नहीं चाह रहा हूँ आपका, ये वीडियो आपके फायदे के लिए ही है, और मैं आपको बस यही बताना चाह रहा हूँ यार कि भूल जाओ कि आपके पास एक सेकेंड अटेम्प्ट है, भूल जाओ कि अप्रैल में आपकी कोई अटेम्प्ट है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो अटेम्प्ट होने वाली है जेईई मेंस 2023 की, इसको अपनी बेस्ट अटेम्प्ट बनाना बहुत ज़रूरी है, इसके रीजंस मैं आपको बता रहा हूँ। ये वाली अटेम्प्ट अगर तुम रखोगे अपनी इकलौती अटेम्प्ट, अपनी बस भूल ही जाओ यार तुम बेसिकली कि जेईई मेंस का कोई दूसरा अटेम्प्ट है भी, और उसका ये रीज़न है। सबसे पहले तो यार तुम देखोगे अपने आसपास के लोग देख रहे होगे, यूट्यूब पे तुम बहुत सारे लोग देख रहे होगे जो तुम्हें रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बेटा ये वीडियो, ये वाला मेरा ट्वीट रीट्वीट कर दो, बेटा इधर आओ हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। इट्स फाइन, मतलब मेरे को थोड़ा ब्लंट यहाँ पे एक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये तुम्हारे ही फायदे की बात है। अगर तुम इन सब कामों में लगे रहोगे ना, आपके साथ का मेजॉरिटी बैच इस चीज में लगा हुआ है, भाई कोविड आ गया, फिर से कोविड आ गया, अब तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, पेपर पोस्टपोन हो जाएगा, देखते हैं यार अपडेट देखते हैं, मोदी जी मीटिंग कर रहे हैं तो हमें भी अपनी मीटिंग इधर बिठानी है, डोंट डू ऑल दिस, आपको इससे कोई फायदा नहीं होने वाला, एंड बिकॉज मेजॉरिटी आपका बैच इसमें बिजी है, आप लीड ले सकते हो अगर आप इस अटेम्प्ट को प्रायोरिटाइज करते हो, क्योंकि लोगों के पास टाइम नहीं है, लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे इस टाइम पे, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्या करना होगा, क्या स्टेप्स होंगे, लास्ट मंथ स्ट्रैटेजी नेक्स्ट वीडियो होने वाली है हमारी, तो उसके लिए मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब। लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है यार, जो हर एस्पिरेंट को करनी होती है, दैट इज ऑल इंडिया लेवल पे अपनी प्रेपरेशन को गेज करो यार, आप देखो आप किस तरफ आपकी सिलेबस कंप्लीशन है। एंड मैं एक्चुअली आपके लिए एक चैलेंज पोस्ट कर रहा हूँ अभी, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट ये चैलेंज है एंड सबके लिए ओपन है। तो इफ़ यू थिंक आपकी प्रेपरेशन एक सही मोड़ पे है, या अगर आपको देखना भी है यार आप कहाँ गलत जा रहे हो एंड एक परफेक्ट रीस्टार्ट करना है आपको अपने लास्ट मंथ ऑफ प्रेपरेशन में, हियर्स अ चैलेंज फॉर यू गाइस, दिस इज द अनअकैडमी ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज चैलेंज, जो कल 25th दिसंबर क्रिसमस के दिन हो रहा है। डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, एंड अगर आप कोड एकनूर सिंह यूज करते हो तो ये 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए, कोई पैसा आपको नहीं देना पड़ेगा। इसका फायदा क्या होगा यार, इससे आपको ऑल इंडिया लेवल पे पता चल जाएगा कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो, कहाँ आपकी गलतियां हैं, एंड ये सब जैसा मैंने बोला सब लोग नहीं करेंगे, ये सीरियस नॉन सीरियस एस्पिरेंट्स अभी नहीं करेंगे, सिर्फ जो लोग आपके सीरियस कंपेटिटर्स हैं, जो इस रेस में लग चुके हैं, वो पूरे ऑल इंडिया लेवल पे आपके साथ कंपीट कर रहे होंगे। एंड इस ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज से बिल्कुल घर बैठे आप जान सकते हो कि कहाँ आप गलत जा रहे हो, कहाँ आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है, एंड इसको अगर आपने यूज किया ना, इसकी रिपोर्ट, परफॉर्मेंस रिपोर्ट को, स्कॉलरशिप्स वगैरह तो आप जीत ही सकते हो, प्राइजेस हैं उसके लिए, लेकिन आप अपने आप को जो फायदा दे रहे होगे वो अनमैचेबल है, ठीक है।
तो सबसे पहला मैंने आपको बताया कि लोग बिजी हैं यार, लोग रीस्केड्यूल करवाने में बिजी हैं, लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे, सिलेबस कंप्लीशन नहीं कर रहे, तो आप एक लीड ले सकते हो। दूसरी चीज, मोस्टली लोग जो है ना अपना फर्स्ट अटेम्प्ट सीरियसली लेते ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है इसकी सीरियसनेस, उनको पता ही नहीं है जेई मेन की सीरियसनेस क्या होती है, ओवर कॉन्फिडेंस में होते हैं वो, उनको लगता है कि यार मैं तो दे ही दूंगा, मेरे को क्या दिक्कत है, मेरा सिलेबस भी हो चुका है, उनको एक्चुअली नहीं पता उनका सिलेबस नहीं हुआ है। जब वो पहली अटेम्प्ट देंगे वो रियलाइज करेंगे कि उनका सिलेबस नहीं हुआ था, उनकी प्रेपरेशन नहीं हुई थी। तो लैक ऑफ सीरियसनेस जो है इस वीडियो देखने के बाद आप में नहीं होनी चाहिए वो, होपफुली, एंड आई एम श्योर नहीं होगी क्योंकि आपको मैं ये बता रहा हूँ, लेकिन मेजॉरिटी आपके साथ की जो जनता है वो अभी सीरियसनेस ही नहीं जानती इस एग्जाम की। मैं रीजंस भी बताऊंगा कि इसका फायदा क्या होगा आपको करने का, एंड ये वाली चीजें उनको नहीं पता होंगी इसीलिए वो इसको सीरियसली नहीं ले रही। थर्ड, रियलिटी चेक नहीं मिला है उनको अभी तक, जो रियलिटी चेक में सिलेबस कंप्लीशन जैसे कि बोल रहा था, तुम किस लेवल पे हो वो रियलिटी चेक, ऑल इंडिया लेवल के एग्जाम्स किस तरीके से लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको वो रियलिटी चेक नहीं मिला है। तो ये रियलिटी चेक आपको मिलना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये रियलिटी चेक इवन मतलब फॉर एग्जाम्पल आप ये AITS की बात कीजिए, इसमें आपको रैंक प्रिडिक्टर मिल रहा है, इस रैंक प्रिडिक्टर से आपको पता चल सकता है अभी इसी स्टेज पे कि क्या रैंक आपका आ रहा है, एंड इस एक महीने की ड्यूरेशन में विद द नेक्स्ट वीडियो ऑल्सो वील ट्राई टू इम्प्रूव एंड 100% हम इसको इंप्रूव करने वाले हैं। साथ ही आपको एक परफॉर्मेंस एनालिसिस भी मिल रही होगी, इसमें परफॉर्मेंस एनालिसिस से आपको अभी इसी स्टेज पे पता लग रहा है फॉर एग्जांपल कि आपको कहां पे गलती है, कौन से टॉपिक में, कौन से चैप्टर में, एंड कैसे आप इसको इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें लोगों को नहीं पता है अभी, उनको असली जेई मेन जब वो लिखने जाएंगे ना जेई मेन जनवरी, तब वो घर आएंगे, वो देखेंगे अरे हाँ यार मैंने तो ये गलती कर ली यार, मैंने प्रैक्टिस नहीं करी थी यार, मैंने सॉल्व नहीं किए थे, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किए थे यार, मेरी मैथ्स फिजिक्स कमजोर रह गई, कुछ एक्स वाई जेड चीजें। पर हम क्योंकि यहां पर ये वीडियो का पार्ट बन चुके हैं, मैथ्स फिजिक्स की ऑलरेडी वीडियो 100 out of 100 की आ गई है, केमिस्ट्री की आने वाली है, तो इसीलिए हम ये गलती नहीं करने वाले। एंड फाइनली यार एक साइकोलॉजिकल इशू है जो जेई मेन्स की अगर आप इस अटेम्प्ट पे फोकस करते हो तो आपको बेनिफिट करेगा, कि मोस्टली जनता ना जब बैकअप दिखता है किसी को भी तो फिर वो इंसान अगला अटेम्प्ट पे ही फोकस करता है, वो बैक ऑफ द माइंड ही हो जाता है यार। मतलब अगर आप खुद को ऐसे पुश ना करो ना कि ये मेरा इकलौता अटेम्प्ट है, ये मेरा इकलौता अटेम्प्ट है, तो आपका ब्रेन एक रिलैक्स मोड में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके ब्रेन को एक बैकअप दिखेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब आप मेरे को बताइए, एक छोटा सा मैं एग्जांपल लूँ, आई वाज रीडिंग दिस बुक द अदर डे, बताऊंगा उस बुक के बारे में किसी और वीडियो में, लेकिन उस बुक एक छोटी सी स्टोरी उस बुक में थी कि एक जो कपल था, एक कपल था वो रोज सुबह वॉक पे जाता था, ठीक है। उनके जो सोसाइटी थी उसमें दो टाइप के वॉकिंग जोन थे, एक अंदर वाला छोटा जोन जिसके उन्हें छह चक्कर लेने पड़ते थे, और एक बाहर वाला बड़ा जोन जो उनके टावर से दूर था, उनके टावर से शुरू होता था, बाहर से घूम के वापस आता था, एंड वो बहुत बड़ा राउंड था तो उनको उसका एक ही चक्कर लेना पड़ता था, वो इक्विवेलेंट टू इसके छह चक्कर होते थे। तो उन्हें क्या समझ आया, उनको धीरे धीरे समझ आया यार कि जिस दिन वो डिसाइड करते थे अंदर के छह चक्कर लेने हैं, उस दिन यूजुअली कुछ ना कुछ बहाने से या कुछ भी ऐसे करके, यार मेरा पैर दुख रहा है आज, यार आज ज्यादा वॉक नहीं हो रही, यार आज ज्यादा मन नहीं कर रहा, इस चक्कर में वो छह कभी कंप्लीट ही नहीं कर पाते थे। वो जो टोटल वॉक थी वो हमेशा या तो चार रह जाती थी या पांच रह जाती थी, कभी कभी बहुत रेयरली वो सिक्स टच करती थी। जबकि जब वो बड़े वाले चक्कर में निकलते थे तब उनके पास बैकअप ही नहीं था, तब वो चाह के भी एक बार निकल गए उस रास्ते से तो कंप्लीट करके ही वापस पहुंचेंगे, तो हमेशा वो टोटल 6 किलोमीटर के बराबर वॉक कर ही लेते थे जब वो बड़े रास्ते से जाते थे। बहुत छोटी स्टोरी है, बस इसका मोटिव बहुत सिंपल है, एंड ये आपके साइकोलॉजी को आपको समझाता है कि जब आपके पास बैकअप होता है तो आप एग्जिट ऑप्शंस बहुत आसानी से सोचने लग जाते हैं, आप रियलाइज भी नहीं करते, आपका ब्रेन एक्सक्यूजेस देने लगता है क्योंकि एक्सर्ट हो रहा है ना आपका ब्रेन। ये एक्सर्शन आपको हेल्प जरूर करेगी आपको एक बेटर इंडिविजुअल और एक बेटर करियर हेडस्टार्ट देने के लिए, लेकिन ये चीज जब आपके पास बैकअप होगी तो आप रियलाइज ही नहीं करते हो कि आप उसमें मेहनत में कमी लगा रहे हो, ठीक है। तो ये छोटी सी स्टोरी हमेशा याद रखना, एंड ये जरूर याद रखना कि तुम्हारी एक ही अटेम्प्ट है जो कि जनवरी अटेम्प्ट है और तुम्हें जनवरी अटेम्प्ट ही फोड़ना है। फायदे क्या होंगे इसके, तीन बहुत सिंपल फायदे। सबसे पहला, जो भी और एग्जाम्स हैं यार, बोर्ड एग्जामिनेशंस हैं, एडवांस एग्जामिनेशन है, बिटसैट का एग्जाम दे रहे होगे, VITE का एग्जाम दे रहे होगे, ये सब एग्जामिनेशंस में तुमको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, तुम्हें प्रिपरेशन, एक बार तुमने जेई मेंस का जनवरी अटेम्प्ट फोड़ दिया तुम्हें फिर से मेंस पे फोकस नहीं करना है, तुम्हारे पास ऑल द टाइम है अपने रियल गोल की तरफ फोकस करने का। एंड आपको पता है जेई एडवांस की तो स्ट्रेटजीज जो चैनल पे आने वाली हैं और जो आती रह रही हैं पिछले 1-2 साल से, वो नेक्स्ट लेवल पे होने वाली हैं, तो उसमें तो आपकी हेल्प में करनी ही।
वाला हूँ, ठीक है? सो यू नीड दैट मोर टाइम. अगर आप स्पेशली एक ऐसे एस्पिरेंट हो जो अभी एडवांस के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करना कर पा रहे हैं बहुत अच्छे से, लेकिन आईआईटी जाना उनका टारगेट है, तो बेटा जी सब भूल जाओ एंड जेई मेन जनवरी पे फोकस ऐसा लगा दो कि आप ऐसा फोड़ो उसे कि आपको मेंस पे फिर से फोकस करने की जरूरत नहीं. दूसरा, इंप्रूवमेंट टेंशन फ्री कर सकते हो आप. दूसरा बेनिफिट है कि आपको अगर आप जनवरी अटेम्प्ट देते हो अच्छे से, कि आपको एक बार पता चल गया कि यार मेरे जनवरी में इतनी परसेंटाइल आ गई, कुछ बैकअप कॉलेजेस मेरे पास आ गए. सोचो आपको जनवरी महीने में, फरवरी महीने में ही आपको पता है कि आपके पास कॉलेज आ चुका है, यार आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. वंस यू आर इन दैट जोन, वो टेंशन फ्री माइंड से जब आप पेपर अटेम्प्ट बस देने भी जाओगे ना थोड़ी सी एक दो दिन की प्रिपरेशन करके, वो भी आप बेटर लिखोगे. क्यों? क्योंकि आपको स्ट्रेस नहीं है, आपको ऐसा कोई धक्का नहीं है कि यार जेई मेन है और अच्छा अटेम्प्ट करना, अच्छे से फोकस करना है, बिकॉज आई ऑलरेडी हैव बैकअप ऑप्शंस. और मेरे को पता है कि मेरा जेई मेन भी अच्छा गया है, मैं जेई एडवांस के लिए भी क्वालिफाइड हूं, मैं एडवांस का भी पेपर दे सकता हूं अभी. तो वो चीज आपको अप्रैल में एक्चुअली बेटर करने में हेल्प करेगी. इवन दो व्हेन आई से दिस, ये चीज बहुत ही सिलेक्ट लोगों को पता होती है, जिन रीजन से मैंने आपको बताया, अभी लोग बिजी हैं और अभी लोग इस अटेम्प्ट को सीरियसली नहीं दे रहे. अप्रैल अटेम्प्ट आखिरी अटेम्प्ट होगा और सब लोग सीरियसली देंगे, इसीलिए इंप्रूवमेंट के चांसेस कम है. आप सेल्फ इंप्रूवमेंट जरूर कर सकते हो, आप बेटर हो जाओगे सब्जेक्ट में, आपका स्कोर इंप्रूव हो जाएगा, बट फिर भी शायद आपकी परसेंटाइल इतनी इंप्रूव ना हो. बट जब मैंने बोला टेंशन फ्री इंप्रूवमेंट, देयर इज स्टिल अ चांस कि आप इतना अच्छा इंप्रूव कर लो कि आपकी परसेंटाइल भी और बेहतर हो जाए. एंड ऑफ कोर्स आपको इंप्रूवमेंट का टाइम अपने जेईई एडवांस एग्जामिनेशंस वगैरह के लिए तो मिलेगा ही. साथ ही आखिरी बेनिफिट यार इसका ये है कि आईआईटी की एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जो जेई एडवांस की एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, वो बहुत सारा प्रैक्टिस, बहुत सारा अभ्यास मांगती है, डिफिकल्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करना मांगती है. एंड उसके लिए आपको उस पाथ के थ्रू जाना ही पड़ेगा, जो जितने ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस, ज़्यादा मतलब लेवल में ज़्यादा नहीं, बट एक स्पेसिफिक टफनेस लेवल विद इन द सिलेबस, ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस सॉल्व, ज़्यादा टाइम उस एग्जामिनेशन को देगा, ज़्यादा रिस्पेक्ट से एग्जामिनेशन लिखेगा, वही इंसान आईआईटी का एग्जाम फोड़ पाएगा, ठीक है? सो मेक श्योर यू आर लिसनिंग टू दिस, मेक श्योर कि आपका जनवरी का अटेम्प्ट आपका इकलौता अटेम्प्ट हो. भूल जाओ आपके पास एक और अटेम्प्ट है जेईई मेन का. एंड वंस यू आर इन दैट जोन, आई एम वेरी श्योर कि आप उस तरीके से मेहनत करोगे लाइक देयर इज नो टुमारो, जैसे कि वो आखिरी दिन है जब आपको बढ़िया परफॉर्म करना है, वही आपका इकलौता एग्जाम है. तो इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा इन द लॉन्ग रन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल बी बैक विद द नेक्स्ट वन. सब्सक्राइब कर लो अगर गिव अवे का पार्ट बनना है, एंड मेक श्योर यू आर वर्किंग हार्ड टूवर्ड्स योर गोल्स. स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, कीप प्रिपेयरिंग एंड मचाते रहो. Stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me.